मध्य प्रदेश में दूसरे राउंड में 26 अप्रैल को 6 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के प्रचार का शोर आज शाम तक थम जाएगा। इसी बीच पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जीतू पटवारी ने कहा कि आज संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। पिछले 10 साल में 17 सरकारें गिराई गई। सरकारी माफिया का काम विपक्ष नेताओं को अपने पक्ष में लाना है। 75 साल के इस अमृत काल में 10 साल बाद जब मोदी जी का शासन हो गया, विकसित भारत की जब बात करते हैं, जब लोकतंत्र बचाने की बहस है, आरक्षण को बचाने की बहस है, बाबा साहब अंबेडकर के विचार को जीने की, जिए या न जिए इसकी बहस है, मीडिया के फ्रीडम की, मीडिया के पहरे की, मीडिया को गोदी मीडिया, मोदी मीडिया से उपाधि देने दी जाने लगी, इसकी बहस है, वोट के अधिकार की बहस है। देश में 17 सरकारें मोदी जी के 10 साल में गिराई गई, 500 से ज़्यादा विधायक खरीद फरोख्त हुए या दल बदल हुए, 200 से ज़्यादा सांसद दल बदल हुए या खरीद फरोख्त हुए, मतलब लोकतंत्र की मूल भावना की भी रक्षा की बहस है। सरकारी माफिया, हर तरह के माफियाओं के नाम सुना था आपने, एक शराब माफिया है, एक भू माफिया है, एक शिक्षा माफिया है, कई तरह के माफियाओं के बाद एक सरकारी माफिया काम करता है, जो जिसका काम सिर्फ विपक्ष के नेताओं को अपने दल में ले जाना, वो चाहे किसी भी रूप में कितना भी करप्ट और क्राइम करने वाला व्यक्ति क्यों नहीं है, अगर वो विपक्ष में है तो सरकारी माफिया का काम है कि वो उसको अपने दल में भर्ती कराए। साथियों, आज मोदी जी का रोड शो है, रोड शो, मोदी ओरिजिनल में शोमैन, शोमैन मोदी, शोमैन का रोड शो, जब वो शो करते हैं तो फिर वापस मीडिया से भी बात नहीं करते, जनता से भी बात नहीं करते, सिर्फ दिखते हैं ईश्वर जैसे। बीजेपी के मुख्यमंत्री ने कल कहा वो तो बजरंग बली का अवतार है, हमारे शिवराज जी ने कहा भगवान का अवतार, बीजेपी के लोग उनको भगवान बनाने पे तुले, भगवान मोदी भगवान से सवाल है कुछ, क्योंकि कल ही बजरंग बली का अवतार, बजरंग बली की जयंती पे हमारे मुख्यमंत्री, पर्ची वाले मुख्यमंत्री ने कहा, तो भगवान के अवतार 3 बार आपसे हमने पूछा कि 3 बार आप मध्य प्रदेश आए, मध्य प्रदेश की जनता के सवाल है उनके उत्तर दो, भगवान के शो में नरेंद्र मोदी भगवान जैसे, उनसे मेरा अनुरोध है कि 1,29,00,000 लाडली बहनाएं थी जिनको आपने 1,000 रुपया चुनाव से पहले कहा था, चुनाव के बाद 3,000 रुपये देंगे ये मोदी गारंटी थी, आज तक वो काम चालू नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी भगवान बताओ ये आशीर्वाद कब दोगे इन बहनों पे। आप उन्हीं बहनों को आपने कहा था कि आवास योजना से भी आपको जोड़ेंगे, आपको उज्ज्वला के 450 के गैस सिलेंडर से भी जोड़ेंगे, तीनों ईश्वर जैसे नरेंद्र मोदी, जरा ये आशीर्वाद इन बहनों पर कब आएगा बताओ, मध्य प्रदेश की बहनें पूछना चाहती हैं। 76% किसान जो गेहूं और धान बोते हैं उनसे नरेंद्र मोदी जी आपने गारंटी दी थी कि 2700 का गेहूं खरीदेंगे, 3100 का धान खरीदेंगे, आपके पर्ची वाले मुख्यमंत्री को, आपकी पार्टी को सांप सुन गया, बेहोशी की दवा ले लिए इस सवाल को, संपट भूल जाते हैं ये जब किसान ये पूछता है कि 2700 का क्या हुआ। 5,00,000 मेट्रिक टन गेहूं की खरीदी रोक दी गई है क्योंकि वो बेमौसम मार से खराब हो गए, 2700 का दाम देना तो दूर की बात है, खरीदी बंद। मोदी जी, इस सवाल का उत्तर आज मध्य प्रदेश की जनता आपके भोपाल के रोड शो के साथ चाहिए।
विवेक तनखा ने कहा है कि बीजेपी कहती है कि 400 सीट हम जीतेंगे, बीजेपी संविधान बदलने की कोशिश में है। बाबा साहेब ने संविधान के जरिए देश को जोड़े रखा है, संविधान की कुछ मूलभूत बातों को बदला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है, प्रजातंत्र खतरे में है, चुनाव के माध्यम से जनता संविधान को बचा सकती है। सबसे बड़ा मूल प्रश्न है कि अगर आप बीजेपी की विचारधारा से जुड़े नहीं हो तो शायद आपको देश में कोई भी बड़ा पद नहीं मिल सकता। यह संविधान की मंशा नहीं थी, संविधान की मंशा थी हर वर्ग, हर जेंडर, हर किस्म के व्यक्ति जो सक्षम है, जो क्वालिफाइड है, उसको पूर्ण रूप से अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हमको आज भी याद है पीपल लाइक वीर अक्सर, जो इनको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में, आप याद है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर थे, बड़े ऐतिहासिक बड़े भारी सलाहकार होते थे इंदिरा जी के, उनको उस वक्त इसलिए अपॉइंटमेंट नहीं मिलने वाला था कि उनका बैकग्राउंड कॉमरेड का था। उन दिनों में कॉमरेड होना फैशनेबल था इंटेलेक्चुअल्स के लिए, ऑक्सफर्ड में और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में कम्युनिस्ट माइंड होते थे यंग लोग। जवाहरलाल नेहरू को जब ये बात पता चली, उन्होंने कहा ये दिस कैन नॉट बी अ डिस्क्वालिफिकेशन, ये आप कांग्रेस हो तो इसको इसलिए आपको कोई पद नहीं मिलेगा, मगर आज आप कांग्रेस हो जाओ और मुझे दिखा दो कौन सा नेशनल पद आपको मिल सकता है। बड़ी विचारने की बात है, सोचने की बात है। तो इसीलिए मैं आज जो आज की शुरुआत कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ संविधान खतरे में है, हमारा प्रजातंत्र खतरे में है, हमारे जनतंत्र खतरे में है, और अब इस प्रजातंत्र जनतंत्र को खाली जनता बचा सकती है, और वो भी इलेक्शन के माध्यम से। मुझे आज आखिरी में बताना चाहता हूँ, मुझे वो यंग, मैं तो यंग लड़का था, 75 की बात है, इमरजेंसी आई, मैं तो इमरजेंसी का भरोसा था दिल से, और मेरे पिता ने जो जजमेंट हाईकोर्ट की उस वक्त जो पहला जजमेंट इमरजेंसी के केस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया था, जो ऐतिहासिक जजमेंट है, ये लिए शिवकांत शुक्ला वैसे मीडियम जबल को, वो मेरे पिता और ए पी से जस्टिस ए पी से डिलीवर किया था। उनको तो किसी ने प्रताड़ित नहीं किया उस जजमेंट के लिए, उस वक्त भी इंदिरा जी थी विरोध में जजमेंट दिया था, हमसे उनको बुरा लगा होगा। 13 हाईकोर्ट से उस जजमेंट को अप्रूव किया, फॉलो किया, एक साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को सेटिस्फाइड कर दिया, ये कहते हुए कि राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी एमरजेंसी में खत्म हो जाती है, जो हो नहीं सकती है जो हाईकोर्ट से है। 41 साल बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने पिता के इस ऐतिहासिक भूल को करेक्ट किया और कहा मेरे पिता ने जो 1976 में एटीएम जबलपुर का जजमेंट दिया था, जिसमें मध्य प्रदेश और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को दरकिनारे किया था, वो एक गलत भूल थी। लाइफ, फ्रीडम ऑफ लाइफ, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी कभी भी खत्म नहीं की जा सकती लोगों, ये हमारा इनहेरेंट राइट है टू लिव and to live with respect and dignity। और आखिरी में मैं ये बोलना चाहूंगा, बहुत सारे इश्यूज हैं जो एक के बाद एक हमारे जाम्बा यशस्वी अध्यक्ष, बहुत उनकी बोलने की शैली भी बहुत अच्छी है, मैं तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उनको, और एक नई जनरेशन कांग्रेस की लीडरशिप के सामने आ चुकी है, और ये नई जनरेशन अब कांग्रेस को आगे लेके जा रही है अपने शैली में, अपने तरीके से। मैं जीतू जी से रिक्वेस्ट करूंगा, मोदी जी की जो तमाम गारंटीज को देके गए थे उस विषय में बताएं, और अब सुप्रीम कोर्ट भी कहने लगा है जीतू जी ये जो गारंटी जब आप देते हो इनको हम इन्फोर्समेंट करेंगे, ये थोड़ी है गारंटी देके आप फैसला ले दो पब्लिक से और उसके बाद कह दो ये जुमला था, कोई मजाक कर रहे हो आप लोगों के साथ, आप किस पद पे हो आप लोग। इसी तरह मैं तो चाहूंगा जीतू जी आप जरूर बताइए जो व्यापार से लेकर आज तक मध्य प्रदेश में स्कैम्स हुए युवाओं के साथ, जो छल कपट हुई उसके बारे में बोलिए, लोकायुक्त में जो केसेस पेंडिंग है, और इसी तरह बॉन्ड के बारे में और तमाम जो इश्यूज हैं, आई एम श्योर आप इनकी करके सबको लोगे, और आज मूल प्रश्न, बहुत सारे मूल प्रश्न जो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं आज प्रधानमंत्री के अब लोग प्रस्तुत करोगे कि भाई आप रोड शो में आ रहे हो, आप जनता को खूब सारे आश्वासन दे रहे हो,
पर मध्य प्रदेश की जनता भी आपसे कुछ मूल बातें पूछना चाहती है। कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा नहीं है कि वो कह सकता है कि मैं देश से बड़ा। जस्टिस जे एस वर्मा ने विनीत नारायण के जजमेंट में क्या पूछे नहीं लिखी थी, बी यू एवर सो हाई, बी यू एवर सो हाई बट द लॉ इज अवर। आप कितने भी बड़े व्यक्ति हो, कितने भी बड़े पर्सनैलिटी हो, बट आप कानून से और देश से बड़े हैं। आपसे लोग प्रश्न करेंगे, आपको उसके प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्व है। थैंक यू। ग्रामीण भारत टीवी के लिए भोपाल से विनीत श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।